हमीरपुर जिला की शासन पंचायत के गांव बल बुलाना में चल रही भागवत कथा के अंतिम दिन देशराज शास्त्री ने प्रवचन किए। इस भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन पूरी परिवार बल बुलाना द्वारा किया गया है। इस भागवत कथा के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कथावाचक देशराज शास्त्री ने भागवत कथा का महत्व भी बताया। ये भागवत की कथा जो है 16 तारीख से शुरू हुई थी और इसमें 17 वेदों की कथा आती है जो भागवत पुराण है। शुरू में इसके विवरण आता है, ज्ञान मार्ग में जाती हैं और फिर इसमें जो है महाभारत का प्रसंग आता है। सातवें स्कंद से भगवान के अवतारों की कथा शुरू होती है। सातवें स्कंद में भगवान के नरसिंह अवतार की कथा, आठवें स्कंद में वामन अवतार की कथा, नौवें स्कंद में श्री राम अवतार की कथा और दसवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा होती है। तो आपने जो 7 दिन की कथा सुनी, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस जीवन को स्वर्ग कैसे बनाया जाए, यानी सुखी जीवन कैसे बनाया जाए, हमारे घर के नियम क्या होने चाहिए जिनको हम भूल चुके हैं, माता पिता के रिश्ते को भूल चुके हैं, भाई बहन के रिश्ते को भूल चुके हैं और बहुत सी कमियां हमारे जीवन में आ गई हैं। गृहस्थी के जितने भी हमारे तौर तरीके हैं वो सब कुछ हम भूल चुके हैं। खेती करने का पता नहीं है और अन्न पैदा करने की विधि नहीं आती है, भोजन करने का ढंग नहीं है। तो जिन बातों को हम भूल चुके हैं उन्हीं को याद करना ही स्वर्ग की ओर जाना है। टीवी चैनल वालों का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं जो कि हमारे इस प्रोग्राम को जगह जगह पहुंचा रहे हैं, हमारी इस कथा को, इस ज्ञान सागर को जगह जगह पहुंचा रहे हैं, लोगों तक ये जानकारी दे रहे हैं। भक्तों, कथा तो एक है लेकिन पहुंचाने का तरीका अलग अलग है, तो मैं इनका बड़ा धन्यवाद। पीएल टीवी के लिए हमीरपुर से विकास ठाकुर की रिपोर्ट।